बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। बुक का पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर एम। ठीक है, पहले हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, फिर 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, आज हम 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, थाउजेंड्स, TH स्टैंड्स फॉर थाउजेंड्स, H स्टैंड्स फॉर हंड्रेड, T स्टैंड्स फॉर टेंस एंड O स्टैंड्स फॉर वंस। ठीक है, थाउजेंड्स के नीचे 1000 की वैल्यू, हंड्रेड्स के नीचे 2, टेंस के नीचे 1 एंड वंस के नीचे 4। इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 4s are 16। ठीक है, 16 का जो 6 है वंस के नीचे आएगा और ये 1 आगे टेंस पे कैरी एज अ फॉरवर्ड चला जाएगा। 4 1s are 4, 4 plus 1 दैट इज इक्वल टू 5, टेंस के नीचे हमने 5 लिख दिया। 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4। ठीक है, आगे कोई कैरी नहीं आ रहा। सिमिलरली पेज नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट नंबर ए। ठीक है, बुक से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। थाउजेंड्स के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हंड्रेड्स के नीचे 3, टेंस के नीचे 6, वंस के नीचे 5, यानी 365 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiply 5 दैट इज इक्वल टू 20। राइट 0 वंस के नीचे और ये 2 चला जाएगा टेंस पे कैरी। ओके, नाउ 4 6s are 24, 24 plus 2 दैट इज इक्वल टू 26। 6 आ जाएगा टेंस के नीचे और ये 2 हंड्रेड्स पे एज अ कैरी चला जाएगा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s are 12, 12 प्लस कैरी को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 14। ये 4 आ जाएगा हंड्रेड्स के नीचे और ये 1 आ जाएगा थाउजेंड्स के नीचे, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हंड्रेड, टेंस एंड वंस की फॉर्म में था। ठीक है, तो जो आंसर आया वो हमारे पास थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस की फॉर्म में आया, यानी 1460। 1460, थाउजेंड्स की क्या वैल्यू है 1, हंड्रेड्स की 4, टेंस की 6 एंड वंस की 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट नंबर ए। ठीक है, ये है पेज नंबर बुक का 80, क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट नंबर ए। पीछे जो फर्दर हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशंस की थी वो सिंपल हमारे पास थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस की फॉर्म में थी, जिससे मल्टीप्लाई करना था वो 1 डिजिट था। अब जो आगे मल्टीप्लीकेशन है वो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 28 multiply 12। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इस 2 को हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8s are 16, 6 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी चला गया। 2 2s are 4, 2 multiply 2 equals to 4, 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 56। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे एक, ठीक, क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, इस वजह से हमने क्रॉस यहां लगा दिया। अब हमने 1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसलिए 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8s are 8, यानी 1 के नीचे ये मैंने 8 लिखा। 1 2s are 2, ठीक है, ओके। अब हम सिंपली एडिशन करेंगे, 6 में 0 को ऐड करें, 6, 5 plus 8 दैट इज इक्वल टू 13, 3 नीचे लिख दिया, 1 एज अ कैरी चला गया, 2 plus 1 दैट इज इक्वल टू 336। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 11 एंड पार्ट नंबर ए।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगी. 124 मल्टीप्लाई 13. सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई. 3 4 आर 12. 2 मैं यहां लिखूंगी, ठीक है, और 1 एज अ कैरी चला जाएगा. 3 2 आर 6. 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7. नाउ 3 1s आर 3, ठीक है. अभी मैंने 3 को इन 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया है. इसी तरह मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगी एक, ठीक है. अब इस 1 को मैं 4 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. 1 4 आर 4, 1 2 आर 2 एंड 1 1s आर 1. अब क्या करेंगे हम, सिंपली एडिशन करेंगे. 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2. 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 होता है 7, 8 9 10 11. 1 यहां लिख दिया और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 3 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा. यानी हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट किया 3 डिजिट वैल्यू को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास आंसर आया 1612. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कवर हो गई है. इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस मस्ट करना है. ठीक है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है. ओके, थैंक यू.